이해하고 싶어 잘 느끼고 싶고 이런 엄마, good morning. 아침밥 먹자. 엄마가 맛있는 거 줄게. 일로 와. 맛있는 거 줄게, 엄마가. 엄마가 몸무게 진짜 맛있는 거 줄게. 가지마. 먹어. 가. 뭐 침대에서 먹어? 침대에서 먹으면 안 돼, 멍멍아. 더러워. नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे नाश्ते का टाइम हो चुका है और एक्चुअली पीछे मंगमुंग भी अपना नाश्ता कर रहा है तो मुझे मेरी भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आपको पता है मैं यूजुअली प्रॉपर नाश्ता नहीं करती, मैं सिर्फ कॉफ़ी पीती हूँ क्योंकि बिना कॉफ़ी के मेरी खोपड़ी काम नहीं करती। लेकिन इन दिनों मैं कॉफ़ी की जगह मिल्क कॉफ़ी पी रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह भूखे पेट कॉफ़ी पीना अच्छा नहीं रहता, पेट खराब रहता है, डाइजेशन भी नहीं प्रॉपर से हो पाता, तो उसकी वजह से मैंने कॉफ़ी से मिल्क कॉफ़ी स्विच कर दिया। आई डोंट नो इफ इट्स अ स्मार्ट थिंग और नॉट, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। एनीवे अभी मुझे मार्केट जाना है क्योंकि मुझे दूध खरीदना है और कुछ अंडे खरीदने हैं। सो आई एम गोना चेंज माई नाइट क्लोथ्स एंड वेयर समथिंग नॉर्मल एंड लेट्स गो आउट। मम्मा अन्नयांग, मम्मा फंगम ऑफ गया, किधरिया? Let's go out. I got a pimple. Oh my god, I'm so happy. You know, मेरे पिंपल बहुत ही रेयरली आते हैं, तो जब भी मेरा कोई पिंपल आता है ना मुझे बहुत खुशी होती है, मेरे दिल में बहुत ही लड्डू फूटते हैं। और जो रीज़न है वो ये है कि यूजुअली जो जवान लोग होते हैं ना उनके पिंपल्स आते हैं, बूढ़े लोगों के पिंपल्स नहीं आते। सो जब भी मेरे पिंपल्स आते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मुझे फील होता है कि अभी भी मैं जवान हूँ, सो इट्स अ गुड थिंग। ये रहा मार्केट। यहाँ पे रहा दूध। So I'm gonna get this one. Let's go. 감사합니다. 안녕히 계세요. 오. So, अभी मैं ये जो दूध है जो अंडे हैं इनको फ्रिज में जचाने वाली हूँ। अभी टाइम हो चुका है मेरी कॉफ़ी बनाने का। ये रहा कॉफ़ी पाउडर जो हम गरम गरम पानी में डालने वाले हैं। अभी हम इसके अंदर थोड़ा मिल्क डालते हैं। ओके, कॉफ़ी रेडी हो चुकी है लेकिन कॉफ़ी पीने से पहले मैं आमलेट बनाने वाली हूँ। सो गाइस, ये रही मेरी आमलेट, कुछ खास नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ तिल डाले हैं टेस्ट के लिए क्योंकि मुझे जो क्रंची क्रंची टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। सो ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट। मम्मी यम्मा गा। नाश्ता हो चुका है लेकिन ये जो बर्तन है ना उनको साफ करने पड़ेंगे। सो लेट्स क्लीन दिस बर्तन। शिमानी, अभी हम मंगमंग को बाहर घुमाने लेने चलते हैं। ओके, यू हैप्पी? मंगमंगा,
밖에 가자. 밖에 가자. Okay, let's go. तो अभी यहाँ पर बज चुके हैं 9:30 और मैं मंगमंग को बाहर घुमाने लेने आई हूँ. और देखिए कितना सुंदर नेचर है यहाँ पे. तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी जो आप अपार्टमेंट में रहते हो वो किराया कितना आता है. सो बेसिकली जहाँ पर मैं रहती हूँ वो किराए का मकान नहीं है, वो ख़रीदा हुआ मकान है. तो किराए के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है. और जो मेरे फॉरेनर फ्रेंड्स हैं ना वो एक्चुअली अपार्टमेंट में नहीं रहते, क्योंकि ये जो मेरा अपार्टमेंट वो काफ़ी बड़ा है, तो वो एक वन रूम में रहते हैं. बेसिकली जो वन रूम होता है ना उसमें एक छोटा सा कमरा होता है और उसके अंदर बाथरूम होता है, और जो बेडरूम, किचन और लिविंग रूम होता है ना वो एक ही कमरे के अंदर होता है. सो इट्स अ वेरी स्मॉल एरिया. ये जो वन रूम होते हैं ना वो यूजुअली सस्ते होते हैं, तो काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं. तो मैं उनका प्राइस सर्च करके आपको यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में बता दूँगी. It's time to wash Mong Mong's paws. Look how dirty. Oh my gosh, she's such a cat. Let's go in the bathroom. So guys, अभी मैंने मेरा वर्कआउट खत्म कर लिया और मुझे बहुत ही पसीने आ रहे. सो आई नीड टू टेक अ शावर. सो आई एम गोना टेक अ शावर एंड उसके बाद में मैं कुछ लंच वगैरह बनाने वाली हूँ. अभी मैंने शावर कर लिया और जो मेरे बाल अभी थोड़ी गीले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास अभी लगभग 1 घंटा है जॉब स्टार्ट करने से पहले. और एक्चुअली अभी मेरे घर पे एक पार्सल आया है जो कि मैंने ऑर्डर नहीं करा. वेरी हैवी एंड इट्स ह्यूज, इट्स बिगर देन मी एंड दिस वन क्रिस ऑर्डर इट फ्रॉम मी. मैं दिखाती हूँ आपको किसके अंदर क्या है. तो इसके अंदर है अलग अलग टाइप के फ्रोजन फूड. तो बेसिकली होता क्या है कि मैं दिन में इतनी बिजी रहती हूँ कि मेरे पास खाने बनाने का टाइम नहीं रहता. तो बहुत सारी बार मैं भूखे पेट जॉब पर चल जाती हूँ या फिर कुछ छोटा मोटा स्नैक करके मैं चल जाती हूँ, जो कि ऑफकोर्स हेल्थी नहीं है. तो उसकी वजह से क्रिस ऑर्डर दिस फ्रोजन फूड फॉर मी. सो इसके अंदर अलग अलग टाइप के फूड हैं. तो फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर है सी फूड राइस, सी वीड राइस, इसके अंदर है चपचे, स्पाइसी ऑक्टोपस. तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ये वाला जो सी फूड वाला है ना वो बनाऊँ. सो आई एम गोना मेक दिस वन. लेकिन वो बनाने से पहले ये वाला जो सारा सामान है ना इसको मुझे जचाना पड़ेगा फ्रीजर में. तो चलो हम अभी ये वाला बनाते हैं. काफी इजी है इसको बनाना, सिर्फ इसको खोलना है और इसको थोड़ा हीट करना है गैस पर. And then it's ready to eat. माशिक्के मौगा. मैंने मोमोंग को भी खाना दे दिया और अब मेरी बारी हो चुकी है खाना खाने की. आई एम सो हंग्री. मैंने इतना वर्कआउट करा तो मेरे में अभी कोई भी एनर्जी नहीं बची है. सो आई एम रेडी टू हैव लंच. दिस वन इज रियली गुड. आई मीन रियली गुड. I got one more parcel. I'm so excited. Why do I speak like this?
prepared this today. Oh, I'm so late, guys. पता नहीं क्यों मैं जितनी भी जल्दी उठूँ ना कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा लेट ही होती हूँ. I think it's an Indian thing, probably. So guys, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ जॉब जाने के लिए और हमेशा की तरह मेरे पास बाल सुखाने का टाइम नहीं रहा, तो I'm just gonna go like this. So guys, ये रहा मेरा outfit of the day. प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा. एक्चुअली एक कोरियन ड्रामा था जिसका नाम था व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम, तो मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है आज. और ये जो इसके बटन्स हैं ना वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं. सो फ्रीडी, आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी. सो आज मैं ये वाली परफ्यूम इस्तेमाल करने वाली हूँ. ये एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट में दी थी मेरे बर्थडे पे. एनीवे, मुझे अभी जल्दी से बाहर जाना है, बस लेनी है और जॉब पर जाना है. सो आई सी यू लेटर. सो गाइज, अभी मैं जॉब ख़त्म करके आ चुकी हूँ और अभी यहाँ पे बज चुके हैं 6 शाम के. तो आज मैं डिनर यहाँ पर किम का ना यहाँ पर करने वाली हूँ. यहाँ से ये रहा यहाँ का मेन्यू. तो अभी मैंने यहाँ से ये वाला खरीदा है जिसका नाम है चीज़ डोंखा. सो बेसिकली डोंखा एक बड़ा सारा नगेट्स होता है जिसके अंदर मीट हो सकता है, वेजिटेबल हो सकते हैं, और जो वाला मैंने चूज करा है उसके अंदर है चीज़. सो गाइस, ये रहा मेरा डिनर. तो यहाँ पर है चीज़ नगेट्स, ये है सॉस इसके साथ खाने वाली, सैलेड, एग एंड राइस एंड चिकन नगेट्स. सो यहाँ पर है किमची और यहाँ पर है कुछ स्वीट रेडिश जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ. So guys, I'm almost done with my dinner and I only have 3 minutes before I start my shift, so I have to hurry up. Tell me what's the meat out. Come from me down, you say. I'm so late, guys. I'm so late. Aaj boss se daat padne wali hu. हेलो एवरीवन, तो अभी मैंने जॉब ख़त्म करा है और अभी यहाँ पे बज चुके हैं शाम के 8. जैसे कि आप देख सकते हैं अभी बाहर काफ़ी रात हो चुकी है और मैं बस लेकर घर पर जाऊँगी. लेकिन घर पर जाने से पहले यहाँ पर पीछे एक स्टोर है, वहाँ पर मैं जाऊँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था इस हफ्ते मेरे बॉस का बर्थडे है. तो मैंने गिफ्ट तो खरीद लिया लेकिन जो बर्थडे कार्ड है ना वो नहीं ख़रीदा. तो मैं यहाँ पर अंदर जाऊँगी और यहाँ से एक क्यूट सा बर्थडे कार्ड लेके आऊँगी. यहाँ से आप So here are different various birthday cards. So let me find. इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप अमीर बन जाइए पूजा थे से, लेकिन मेरे बॉस ऑलरेडी अमीर है तो उनको इसकी ज़रूरत नहीं है. इसके ऊपर लिखा हुआ है खमसा अमीरा, यू आर माई डिलाइट. ऐसा दूंगी तो मुझे जॉब से निकाल देंगे वो. आई थिंक आई एम गोना गेट दिस वन. छिम छिम चुका अमीरा, इसका मतलब होता है कि दिल से मुबारक, दिल से कंग्रेचुलेशन. आई लाइक दिस वन, इट्स सो प्रीटी. सो अभी मुझे ये दो कार्ड पसंद आए हैं, मैं इनमें से चूज नहीं कर पा रही कि कौन सा लूँ. सो आई एम गोना टेक बोथ ऑफ देम. सो गाइस, अभी मैं मेरे बस स्टॉप पर आ चुकी हूँ. मैं अभी बहुत थक चुकी हूँ और मुझे सिर्फ घर पर जाना है और कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं, क्योंकि इन कपड़ों में काफ़ी क्लासी तो लगता है, एलिगेंट तो लगता है, लेकिन काफ़ी अनकम्फर्टेबल भी होता है. सो
There's a motorcycle. और घर पर जाके मैं मोमोंग के साथ खेलूंगी, उसको बाहर घुमाने लेके जाऊंगी और उसके बाद में टीवी देखते देखते सो जाऊंगी. सो आज के लिए सिर्फ इतना ही. आई होप कि आपको आज का भी व्लॉग पसंद आया होगा एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग. तब तक आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा मास्क पहनते रहिए, स्टे एट होम एंड आई लव यू. बाई.